नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणिज्य शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका खूब खूब स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि पानी का मटका हमें कब खरीदना चाहिए। जिस मटके में हम पानी रखते हैं और पानी पीते हैं, वो मटका हमें कब खरीदना चाहिए, कौन से मुहूर्त में खरीदना चाहिए, कौन से दिन खरीदना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के मैंने 50 से 60 और भी वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को देखकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, पानी का घड़ा सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पानी के घड़े में पानी भर कर रखते हैं, पानी ठंडा होता है और वो पानी पीना हम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानते हैं। मिट्टी का घड़ा जो है वो पानी के सार को सोख लेता है और पानी को शुद्ध कर देता है। इसी वजह से हम सदियों से घड़े का पानी पीते आए हैं। वर्तमान समय में फ्रिज आरओ ने पानी के घड़े की जगह ले ली है, फिर भी हम घड़े का इस्तेमाल करते हैं और घड़े को हम महत्व देते हैं। हमारे धर्म में मंदिर के बाद दूसरा पवित्र स्थान जो है वो घड़े का होता है। घर में घड़ा जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को हम पितरों का स्थान भी मानते हैं और वहाँ पर हम दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। मित्रों, जिस तरह हम पूजा के स्थान पर पूजा करते हैं, दूसरा पूजा का स्थान जो है हम परिंडा, जहाँ पर घड़ा रखते हैं उस स्थान को परिंडा भी कहते हैं, उस परिंडे को हम पूजा स्थान की तरह महत्व देते हैं। और घर में जो परिंडा है, जहाँ पर मटका रखा जाता है, घड़ा रखा जाता है, वो घर की उत्तर और पूर्व कोण जो है, घर में उत्तर पूर्व कोण जो है वहाँ पर हमें घड़ा रखना चाहिए। और जब हम नया घड़ा घर में लेकर आते हैं, तो उसे 4-5 बार शुद्ध पानी से अंदर घड़े के अंदर पानी डालकर उसे हिलाकर पानी को फेंक देना चाहिए। घड़े में हाथ नहीं डालना चाहिए। घड़े में अगर हाथ डालते हैं तो नया बना हुआ घड़ा जो है मिट्टी का घड़ा होता है उसमें चोट लगने के चांस रहते हैं। उसके बाद आपको घड़ा फिर दूसरा इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए घड़े में कभी भी नए घड़े में हाथ डालकर उसे साफ नहीं करना चाहिए। और मित्रों, एक घड़ा जो आप घर में खरीद कर लाते हैं उस घड़े की वैलिडिटी जो है 4 महीने तक एक ऋतु की होती है, यानी एक ग्रीष्मकालीन ऋतु जो है उस समय तक उसकी वैलिडिटी होती है। फिर ऋतु परिवर्तन हो जाने के बाद में आपको घड़ा भी जो है बदल देना चाहिए। फिर मित्रों, घड़े के संबंध में एक और बात है कि घर में अगर सूतक या पातक लगा है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है या फिर किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सूतक या पातक कहलाता है। उस समय जन्म होने के बाद जब 7 या 15 दिन बाद में सूर्य पूजन हो जाता है, उसके बाद अपने घर का जो घड़ा है वो बदल देना चाहिए। घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, सभी काम काज जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद हमें घड़ा जो है वो बदल देना चाहिए और नया घड़ा खरीद लेना चाहिए। तो घड़े के संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य बातें। फिर घड़ा जो है हमें सोमवार और शुक्रवार के दिन ही इस्तेमाल में लेना चाहिए, जब हम नया घड़ा घर में खरीद कर लाते हैं। समझ लीजिए कि आप गुरुवार को घड़ा ले आए तो उसे शुक्रवार तक घर में रहने दीजिए और शुक्रवार के सुबह में उसे पानी से साफ करके आप इस्तेमाल कीजिए। फिर बात करते हैं, और मासिक धर्म के समय में स्त्रियों को घड़े को छूना नहीं चाहिए। उस समय में महिलाएं जो हैं अपवित्र मानी जाती और धर्म में इसे शुद्ध नहीं माना जाता है। उस समय महिलाएं जो हैं माताएं बहनें वो पूजा भी नहीं कर सकती हैं, तो उस समय वो घड़े को ना छुए तो अच्छा है। और मित्रों, तो घड़ा जो है आपको सोमवार और शुक्रवार को खरीदना है और सायंकाल में कभी भी घड़ा नहीं खरीदना है। घड़ा आपको दिन में खरीदना है, सूर्य उदय के समय खरीदना है, जिस समय सूर्य रहता है उस समय आपको घड़ा खरीदना है। रात्रि के समय घड़ा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति को कितना भी क्रोध आता है, एक व्यक्ति कितना भी क्रोधित है, उसे आप फ्रिज का या आरओ से फिल्टर हुआ पानी पिलाएंगे, भले वो कितना भी ठंडा हो, पर वो व्यक्ति का गुस्सा शांत नहीं कर पाएगा। और घड़े का पानी जो है, एक लोटा पानी आप पिला दीजिए, भले वो पानी ठंडा नहीं है, पर उस व्यक्ति का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। तो घड़े के पानी का इतना महत्व है।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल शर्मा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।